विशाल जी, साहब की बीमारी के बाद जिस तरह से उत्तराधिकारी के तौर पर आपको टिकट दिया गया है, उसके बाद से धनराज चुनाव काफी टफ नजर आ रहा है और समीकरण ऐसा बन पड़ा है कि गोरी और बाभान एक साथ आ सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं, गोरी और बाभान एक साथ आ जाए खेल काफी बिगड़ जाएगा। आप क्या क्या कह रहे हैं विप्लव जी? जी हाँ विशाल जी, इस बार हमें चुनाव में काफी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अड़ोरा से विरिंचे का फोन आया था, इस सरपंच साहब के दरवाजे पर काफी बड़ी मीटिंग हुई थी, बाबा लोग भी जुटे थे। तीन घंटे मीटिंग हुई थी, काफी सारे लोग भी मौजूद थे वहां। खबर हमें भी है विप्लव जी, हमें क्या कम तकलीफ है इन बातों की। लेकिन जहां 10 तरह के लोग हैं उनकी 10 तरह की बातें होंगी, 10 तरह के मन होंगे, 10 तरह की आकांक्षाएं होंगी और 10 तरह के असंतोष भी होंगे। हमें सबको साथ लेकर चलना है, मजबूरी है हमारी। सबकी सहमति और संतोष में ही अस्तित्व है हमारा। खैर, ये तो थी एक दमदाह विधानसभा के पंचायत की बात, पुरंदहा दमेली पुरेनी गणेशपुर के कई सारे पंचायत की प्रतिनिधि और समीकरण हमारे साथ हैं। हमें होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि हमारी जाति को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है और भूमियारों में कुछ बात को लेकर नाराजगी है जो चुनावी रिजल्ट को काफी प्रभावित कर सकती है। वीरेंद्र जी, नाराजगी तो है लेकिन चुनाव की रात तक तस्वीरें काफी बदल जाएंगी। हर उस चीज का प्रयोग कीजिए जो लोगों को हमारी गलतियां भुलाकर हमारे नए मुद्दों पर गोल बंद करने पर सहयोग साबित हो। और हम ये भी मानते हैं कि हमारा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग चीजों को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। अरे जब इस देश ने बापू के योगदान को, उनके बलिदान को भुलाने में देर नहीं लगाई तो ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। जी विशाल जी, हमें कुछ पंचायतों पर काफी अच्छा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो युवा नेता विवान लड़कों को जमा करके काफी अच्छा माहौल बना लेता है। हाँ विशाल जी, और हमें वही मैनेज करना है, पैसा भी खर्च होगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, पिछड़ा कार्ड खेलना होगा ताकि पिछड़ा और बावन लोग एक साथ ना हो सके। बहुत अच्छा कहा आपने विप्लव जी, ये काम कल से ही शुरू कर दीजिए, हमें किसी भी हाल में ये चुनाव जीतना है। चुनाव तो हमें, आप परेशान मत हुए विशाल जी, ये चुनाव तो हम ही जीतेंगे। हम राज्य के सबसे युवा विधायक हैं और आजीवन हम ही रहेंगे दमदास, क्योंकि हमारे खून में है राज करने की नीति। साम ताम दंड भेद, चाहे कुछ भी हो जाए बस कुर्सी नहीं जानी चाहिए। इसके लिए चाहे हमें अंग्रेजों का वो फार्मूला ही क्यों ना अपनाना पड़े। अब जीत तो मिल गई है और आप सब हमारे सहयोगी रहे हैं, अब थोड़ा कारोबार पर भी ध्यान दे लिया जाए। वैसे पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी रहे।